हमास द्वारा इसराइल पर 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद ये जंग अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगभग एक महीने से इस युद्ध के बारे में चर्चा करते हुए यूजर्स सोशल मीडिया पर तरह तरह का कंटेंट शेयर कर रहे हैं। अक्टूबर का ये महीना ऐसे ही गलत जानकारियों से भरा रहा। ऑल्ट न्यूज ने भी हर महीने की तरह ऐसे ही कुछ दावों की सच्चाई का पता लगाया और असलियत लोगों के सामने रखी। आज के इस वीडियो में अक्टूबर 2023 में शेयर की गई ऐसी ही कुछ गलत या भ्रामक जानकारियों की सच्चाई हम आपको दिखाएंगे। हाल में इसराइल हमास युद्ध से जोड़कर शेयर किए गए इन कुछ दावों का फैक्ट चेक हमने किया था। इसकी सच्चाई आप स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये तस्वीरें शेयर करते हुए इसराइल सरकार ने दावा किया कि हमास ने मरे हुए बच्चे के शव के रूप में एक खिलौने की तस्वीरें दुनिया के सामने पेश की। देखते ही देखते भारतीय राइट विंग अकाउंट्स ने भी यही दावा किया और तस्वीरें शेयर करने लगे। ऑल्ट न्यूज ने डिटेल में छानबीन की और पाया कि असल में ये तस्वीर 4 साल के उमर बिलाल अलबन्ना के शव की है। गेटी इमेजेस पर इसी मौके की ये तस्वीर पोस्ट करते हुए बताया गया है कि 12 अक्टूबर 2023 को गाजा शहर में अल शिफा अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर इजरायली हवाई हमले के पीड़ित व्यक्तियों के शवों के पास लोग जमा हुए थे। ऑल्ट न्यूज ने फिलिस्तीनी फोटोग्राफर मोमन अल हलाबी से बात की, जिन्होंने हमें ये बात कंफर्म की कि इसराइल सरकार द्वारा तस्वीर में दिख रहे शव को गुड़िया यानी खिलौना बताने का दावा पूरी तरह से गलत है। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि लंदन में हमास के समर्थन में रैली निकाली गई। ऐसे ही दावे के साथ कई यूजर्स ये वीडियो शेयर करने लगे। छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये वीडियो 2021 की घटना का है। लंदन में यहूदी इलाके में गाड़ी चलाते समय यहूदियों को गालियां देने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये उसी घटना का वीडियो है। इसराइल हमास युद्ध के बीच ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया कि स्वीडन में हमास समर्थक दंगा कर रहे थे। ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि ये वीडियो 16 अप्रैल 2022 को ट्वीट किया गया था। वीडियो को जियो लोकेट करते हुए हमें पता चला कि ये वीडियो स्वीडन के ओरेब्रो का है। खबरों के अनुसार अप्रैल 2022 में स्वीडन में कुरान की कॉपियां जलाए जाने के बाद हिंसक झड़प हुई थी। 17 अक्टूबर को गाजा पट्टी के अल अहली अरब अस्पताल पर हवाई हमला हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद इसराइल ने दावा किया कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहादी यानी PIJ ग्रुप द्वारा लॉन्च किए गए एक असफल रॉकेट लॉन्च के कारण ये विस्फोट हुआ था। इस दावे को सही ठहराने के लिए कई लोग ये वीडियो इंटरनेट पर शेयर करने लगे और दावा करने लगे कि हमास के एक असफल रॉकेट लॉन्च के कारण अस्पताल पर विस्फोट हुआ था। हमारी छानबीन में सामने आया कि ये वीडियो साल 2022 में कई बार इंटरनेट पर शेयर किया गया था। स्टैंड विथ अस ने फेसबुक पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया में हुए एक विस्फोट और इस्लामिक जिहाद द्वारा एक असफल रॉकेट लॉन्च के कारण कम से कम 4 बच्चे मारे गए थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, ऐसे में केरल के लुलु मॉल में भारतीय झंडे से बड़ा और ऊंचा पाकिस्तानी झंडा दिखाए जाने का दावा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। साथ में ये तस्वीरें भी शेयर की गई। ऑल्ट न्यूज ने लुलु मॉल के अधिकारियों से बात की। उन्होंने बताया कि मॉल में ICC वर्ल्ड कप के चलते इसमें हिस्सा लेने वाले सारे देशों के एक ही साइज के झंडे और एक ही लेवल पर लगाए गए थे। लुलु मॉल की ये तस्वीरें गौर से देखने पर ये बात साफ समझ में आ जाती है कि कमाल सिर्फ फोटो क्लिक करने वाले कैमरा का है। इसके कारण झंडे अलग अलग लेवल में या फिर अलग अलग साइज में दिखते हैं, लेकिन असल में ये झंडे एक ही साइज के हैं और एक ही लेवल पर लगाए गए हैं। 10 अक्टूबर को नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन की मौत की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की जाने लगी। अर्थशास्त्र 2023 में नोबेल पुरस्कार के विजेता क्लाउडिया गोल्डन के नाम से बने इस अकाउंट ने सबसे पहले ये दावा शेयर किया था। इसके बाद तो क्या था, कई मीडिया चैनल्स ने भी ये खबर चलाई कि अमर्त्य सेन का निधन हो गया है।
इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज़ ने डॉक्टर सेन की बेटी अंतरा देव सेन से बात की। उन्होंने बताया कि अमर्त्य सेन बिल्कुल ठीक है। उनकी दूसरी बेटी नंदना सेन ने ट्वीट करते हुए वायरल दावों का खंडन भी किया। ये वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि इजरायल के सैनिकों के साथ हमास के आतंकवादी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया। जांच करते हुए ऑल्ट न्यूज़ ने पाया कि ये घटना 2016 की है। टर्किश मिनट की 2016 की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट ने कथित तौर पर दो तुर्की सैनिकों को जिंदा जला दिया था। इन दोनों सैनिकों को उत्तरी सीरिया के अलबाब क्षेत्र में बंधक बनाया गया था। केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित की गई इस रैली का ये वीडियो शेयर करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने रैली में इटली का झंडा फहराया था। देखते ही देखते कई वेरीफाइड यूजर्स ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ शेयर किया। वीडियो में दिख रहे इस पोस्टर पर जुलूस का नेतृत्व करने वाले ग्रुप का नाम वेलफेयर पार्टी केरल लिखा है। साथ ही रैली में दिख रहे इन झंडों पर भी वेलफेयर टेक्स्ट लिखा है। वेलफेयर पार्टी केरल के बारे में पता लगाते हुए हमें मालूम हुआ कि रैली में लोगों ने वेलफेयर पार्टी का ऑफिशियल झंडा पकड़ा है। ये झंडा दिखने में इटली के राष्ट्रीय ध्वज जैसा ही है, लेकिन असल में ये वेलफेयर पार्टी केरल का झंडा है। चेन्नई में 23 अक्टूबर को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के चलते पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान का मैच था। ऐसे में रिपब्लिक वर्ल्ड ने ये रिपोर्ट पब्लिश की कि मैच के दौरान भारत के झंडे पर प्रतिबंध लगाया गया था। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर समेत कई राइट विंग अकाउंट्स ने भी यही दावा चलाया, जबकि ट्रिप्लिकेन डीसीपी देशमुख शेखर संजय ने बताया कि स्टेडियम में कोई भी झंडा ले जाने के लिए बैन नहीं लगाया गया था, सिर्फ उत्तेजक टेक्स्ट वाले झंडों को नहीं ले जाने के लिए कहा गया था। वरिष्ठ पुलिस अफसर से बात करते हुए ऑल्ट न्यूज़ को मालूम हुआ कि ये एक उत्साही इंस्पेक्टर की लापरवाही का नतीजा था, जो इसराइल और फिलिस्तीन के झंडों को स्टेडियम में ले जाने से रोकना चाहता था। हमें उसी मैच की स्टेडियम के अंदर की ये तस्वीरें भी मिली, जिसमें लोग भारतीय झंडे के साथ दिख रहे हैं। Hello, this is for children of Syria. We know that you have been suffering a lot. I am a very famous player that you are the true hero. Don't lose your hope. The world is with you. We care about you. I am with you. मशहूर पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि उन्होंने इसराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन जताया है। ऑल्ट न्यूज़ को फुटबॉलर की 2016 की ये पोस्ट मिली, जिसमें साफ बताया गया है कि ये मैसेज सीरिया के बच्चों के लिए था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन ने साथ मिलकर सीरिया में बच्चों के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए ये वीडियो पोस्ट किया था। इसराइल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये दावा किया गया कि हमास के हमले का जश्न मनाते हुए एक एक्टर बाद में घायल होने का नाटक कर रहा है। ऑल्ट न्यूज़ की जांच में सामने आया कि ये वीडियो एक्टर नहीं बल्कि 16 साल का सईद जेंडिक है, जिसने जुलाई महीने में वेस्ट बैंक शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में अपना एक पैर खो दिया था। इस मामले पर ऑल्ट न्यूज़ की ये डिटेल फैक्ट चेक रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।